सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। दशहरा पर्व मनाने पठानकोट पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले कलेर रिसॉर्ट्स में पूर्व सैनिकों की जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने खुद के भी पूर्व सैनिक होने का हवाला देते हुए पूर्व सैनिकों को कई वादे किए, जिसमें पठानकोट में सैनिक स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर खोलना मुख्य रहे। सीएम ने पूर्व सैनिकों को किसी भी प्रकार की समस्या न आने देने की बात कही। गौरतलब है कि गुरदासपुर हल्के में करीब 3 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का वोट बैंक है। उपचुनावों के दौरान हर राजनीतिक दल की पूर्व सैनिकों के वोट बैंक पर नजर है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सेना अधिकारी को ही मैदान में उतारते हुए अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह से आप अपना एक्स सर्विसमैन कार्ड पहले से ही खेल चुके हैं। अब कांग्रेस ने भी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की भेंट पूर्व सैनिकों से करवाकर अपना एक्स सर्विसमैन कार्ड खेल दिया है। पूर्व सैनिकों के साथ हुई बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को पूर्व सैनिकों का एक हिस्सा बताया। इस दौरान मंच पर लगे बड़े होल्डिंग में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सेना के जवान के रूप में भी दिखाया गया है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि चंडी सिंह चन्नी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे जे करप्शन ते नकेल ना कसी साडी सरकार दे विच। कौन कह रहा है? चरणजीत सिंह चन्नी तुहाडे मंत्री कह रहे हैं करप्शन ते नकेल ना कसी ता एवरीथिंग इज बीइंग डन। और चन्नी नु भी पता है और मैं भी थोनू दस रहा है सब कुछ करप्शन ते असी पूरा नोटबंदी सारे नु पता है कोई असर नहीं। पठानकोट से दविंदर ठाकुर की रिपोर्ट न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।